तो नॉर्थ साउथ का ये सिर्फ डिफरेंस कहने की बात है कि वो कॉलेज पुराने हैं और वो मेन कैंपस में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ भी आपको वही वाइब्स देखने को मिलेगी, वही क्राउड देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सीनियर्स काफ़ी सपोर्टिव हैं, अगर कोई सब्जेक्ट है जिसमें मतलब दिक्कत हो रही है पढ़ने में तो उनसे पूछ सकते हैं। इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, मॉर्निंग इवनिंग सब एक जैसे है, सब जगह पढ़ाई होती है, आप सब जगह से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। पूरी की पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी बेस्ट है। तो एक अलग ही वाइब है जो मुझे लगता है मॉर्निंग वालों के पास नहीं है। कि आप लोग आइए, ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटीज़ ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ सोसाइटीज़ से ही ज़्यादा सीखने को मिलेगा। हमारे साथ शहीद भगत सिंह के कुछ बच्चे हैं। आप पहले ये बताइए, आप मॉर्निंग से या इवनिंग कॉलेज से? जी हम इवनिंग सांद महाविद्यालय से हैं सभी। ये दयाल सिंह से? मैं दयाल सिंह से। आप दयाल सिंह? जी जी। सो कैसा लगा आपको इवनिंग कॉलेज में, मतलब कैंपस लाइफ कैसी रही आपकी? इवनिंग कॉलेज की कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है, क्योंकि सबसे अच्छा है कि हमें टाइम मिल जाता है सुबह सोने का, और फिर आराम से हम कॉलेज आते हैं, शाम तक फिर जाते हैं। तो एक अलग ही वाइब है जो मुझे लगता है मॉर्निंग वालों के पास नहीं है। अच्छा, जो बच्चे अभी फ्रेशर्स आने वाले हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? उनको संदेश मैं देना चाहूँगा कि वो अच्छे अच्छे कपड़े घर से लेके आएं और फ्रेशर्स पार्टी में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि वहाँ से जैसे कि हमारे एक परिचित हमारे माननीय भैया जी हैं, गौरव भैया, वो भी फ्रेशर पार्टी जीते और वहाँ से उनका आज एक यूट्यूब चैनल है जो बहुत प्रख्यात है। तो हम भी चाहेंगे कि जो भी बच्चे आ रहे हैं वो बढ़िया, सीनियर बहुत अच्छे हैं यहाँ के, सबसे अच्छी बात है। सीनियर के बारे में मनदीप ज़्यादा अच्छे से बता पाएँ, क्योंकि ये उन्हीं के साथ रहते हैं। अच्छा, जी। आप सीनियर के साथ रहते हैं ना? जी बिल्कुल। क्या नाम है उनका? सुशांत भैया। सुशांत भैया, तो क्यों मतलब आपको क्यों अच्छा लगता है उनके साथ रहना और क्या सीखने को मिला? हाँ, सीखने को मतलब यही मिला कि उनके साथ रहने के वो हर चीज़ को समझते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो ये बोलते हैं कि आपका जो दिल कर रहा है आप वो करें, बस किसी का गलत ना करें, और समय समय पर समझाते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, बोलते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करो, सोसाइटीज़ को ज्वाइन करो, सभी लोगों के साथ मिल के रहो। तो कहीं ना कहीं सीनियर्स काफ़ी सपोर्टिव हैं, अगर कोई सब्जेक्ट है जिसमें मतलब दिक्कत हो रही है पढ़ने में तो उनसे पूछ सकते हैं। और मेरा फ्रेशर्स को यही संदेश है कि आप लोग आइए, ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटीज़ ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ सोसाइटीज़ से ही ज़्यादा सीखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से जो पढ़ाई लिखाई है वो तो सेकेंडरी है, प्राइमरी तो सोसाइटीज़ है। अब इसके बारे में आपको अभिषेक ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। अच्छा अभिषेक, बताइए, आप कभी शाहरुख के रूप में होते हैं, कभी कबीर सिंह के रूप में होते हैं, तो मतलब इसके पीछे का राज क्या है? क्या गर्लफ्रेंड नहीं बन रही आपकी, नहीं, या फिर कोई और? देखिए, ये तो कुछ परिस्थिति ऐसी हो जाती है, कई बार ये है कि थोड़ा लुक चेंज करना पड़ता है, तो वो तो खैर कुछ नहीं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अभी जो कॉलेज में स्टूडेंट्स आने वाले हैं, तो कॉलेज में मतलब पढ़ाई तो ठीक है, मतलब आपको करियर भी बनाएं, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ डेज़ में, जैसे पहले तो ऑनलाइन था लेकिन अभी आएंगे तो ऑफलाइन ही होगा, तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, उससे मतलब ज़्यादा आप एक्सप्लोर कर पाएंगे उसी से, क्योंकि कॉलेज लाइफ में यही है, पढ़ाई तो आप कर ही लेंगे लेकिन यही एज भी आपकी यही एक्सप्लोर करने की, जिसमें सबसे ज़्यादा आप सीख सकते हैं, अपनी नॉलेज को सबसे ज़्यादा गेन कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं और उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो आप आइए और सोसाइटीज़ है या और भी जो चीज़ें उनको ज्वाइन कीजिए, बाहर की दुनिया को थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए और उनसे आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। साउथ कैंपस में आता है, तो एक कहा जाता है कि साउथ कैंपस के कॉलेजेस नॉर्थ कैंपस से थोड़े से नीचे होते हैं, तो ऐसा कुछ लगा आपको कॉलेज में आकर? ऐसा तो कुछ नहीं लगा, हम काफ़ी नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में गए हैं, वहाँ की हमने अभी अमृत महोत्सव चल रहा है उसकी रैलियों में भी गए थे और अपने कॉलेज में भी रैली हुई, तो ऐसा कुछ हमें डिफरेंस ज़्यादा नज़र नहीं आया। सब पढ़ाई वहाँ ऐसी होती है, ऐसी यहाँ पर होती है, ऐसा ही क्राउड हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो नॉर्थ साउथ का ये सिर्फ डिफरेंस कहने की बात है कि वो कॉलेज पुराने हैं और वो मेन कैंपस में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ भी आपको वही वाइब्स देखने को मिलेगी, वही क्राउड देखने को मिलेगा। मतलब अभी आप 2 साल से इस कॉलेज में हैं, तो मज़ा आ रहा है आपको कॉलेज? जी 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 बिल्कुल, जो कॉलेज का जो मज़ा था, जो हम शुरू में तो ऑनलाइन में थे लेकिन ऑफलाइन में आकर के मतलब जो वो पूरा ऑनलाइन का जो था वो मतलब उसका हमने पूरा भरपूर यहाँ पर फ़ायदा उठा लिया। ऐसा नहीं था कि वो हमारा समय वहाँ पर जो था हम उसका यूज़ नहीं कर पाए, तो उतने का जो पूरा कोटा था वो हम इस समय में 5-6 महीने में पूरा कर लिया, और अभी भी हमारे पास आने 1 साल अभी बचा हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं, तो आप आइए कॉलेज में, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, मॉर्निंग इवनिंग सब एक जैसे है, सब जगह पढ़ाई होती है, आप सब जगह से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। पूरी की पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी बेस्ट है। आप बताइए कि आप दयाल सिंह कॉलेज से हैं, तो दयाल सिंह कॉलेज कैसा है, एक बार आप दयाल सिंह का एक्सपीरियंस बताइए। बिल्कुल, दयाल सिंह कॉलेज बहुत बेहतरीन है। वैसे तो वहाँ पर अफवाहें हैं बहुत सारी कि वहाँ पर झगड़े ज़्यादा होते हैं, बट जैसा कि जब से मैं आया हूँ तो लगभग मुझे ये कम चीज़ें देखने को मिली। बाकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में डिबेटिंग सोसाइटी हो गई, NSS यूनिट हो गई, बहुत एक्टिव रहती है हमेशा से ही वहाँ के स्टाफ यूनिट और शिक्षक, बच्चे, सीनियर्स हमारे सभी बेहतरीन हैं, कोई ऐसा नहीं है कि
मतलब वो भी जैसे नॉर्थ कैंपस में नहीं आता जैसा कि भैया बता रहे थे, तो नॉर्थ कैंपस के उन कॉलेजों का नाम चूंकि इसलिए है कि वो बहुत पुराने हैं, जब से दिल्ली विश्वविद्यालय हुआ मतलब इस्टेब्लिश हुआ तब से वो साथ में हैं, उनके साथ में वो कॉलेजेस आए, तो इस कारण से उनका नाम हो गया कि वो नॉर्थ कैंपस है। बाकी कुछ फ़र्क नहीं है। मैं अक्सर अनेक प्रतियोगिताओं में, अनेक करिकुलम एक्टिविटीज़ में मैं एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज ट्रैवल करता रहता हूँ, जाता रहता हूँ, वहाँ के स्टाफ से मिलता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, सबसे मिलता हूँ, तो मुझे कुछ खास फ़र्क देखने को नहीं मिला। और जहाँ भी जाता हूँ अच्छा सीखता हूँ, अच्छा सीखने को मिलता है और अच्छा अनुभव मिलता है। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई लिखाई भी अपनी जगह पर ज़रूरी है, क्योंकि अंत में वही काम आने वाली है, लेकिन साथ में अपने मानसिकता का विकास जो एक होता है, मानसिक विकास, उसके लिए आवश्यक होता है कि हम अलग अलग कॉलेजों में जाएं और अपने कॉलेजों में अलग अलग प्रोग्राम्स जो होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करें, उनके लिए अपना जो योगदान बन सके हम दें, और उससे ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो सीखने की प्रक्रिया लगातार चलती रहनी चाहिए। आप बताइए, आप भी इसी कॉलेज से? जी मैं इसी कॉलेज से हूँ, शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज से। इवनिंग कॉलेज, तो यहाँ पे लगता है यार इवनिंग का क्राउड बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा इवनिंग, बहुत अच्छा एक्सप्लोर करने का, बहुत अच्छा यहाँ पे स्पेस है। यहाँ पे आपने कोई सोसाइटी ज्वाइन की है? हाँ, मैंने न्यूक द डिबेटिंग सोसाइटी ज्वाइन की हुई है, क्योंकि बहुत सारी सोसाइटीज़ हमारे कॉलेज में एक्सप्लोर करने के लिए है। मैंने स्पेशली डिबेटिंग सोसाइटी ज्वाइन की, और मैं आपके ऑडियंस को भी प्रेफर करना चाहूँगा कि अगर वो हमारे कॉलेज में आते हैं तो सोसाइटी ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि सोसाइटीज़ में नॉलेज के साथ साथ सोसाइटीज़ के इवेंट में एक और चीज़ मिलती है जिसे कहते हैं रिफ्रेशमेंट, जिसके लिए बच्चे काफ़ी व्याकुल रहते हैं रिफ्रेशमेंट्स लेने के लिए। तो रिफ्रेशमेंट का एक बहुत अच्छा यहाँ पर मौका है, आप सोसाइटी ज्वाइन कीजिए, रिफ्रेशमेंट के मज़े लीजिए, और साथ साथ ज्ञान तो भरपूर है, फ्री में मिलता। चलिए, ऑल द बेस्ट, आप लोग तैयारी कीजिए, मजे कीजिए। थैंक यू, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।